बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत वल असर के बारे में। सूरत वल असर, जी सूरत वल असर, इसका जो है तदवीन के एतबार से 103 नंबर है और नुजूल के एतबार से इसका 13 यानी 13 नंबर है जी। और ये बड़ी मुख्तसर सी सूरत है, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। दो छोटी मुख्तसर सूरतें, एक सूरत वल असर है, दूसरी सूरत अल कौसर है जी, दोनों 3 आयात पर मुश्तमिल हैं। और इसकी ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। इसका नाम वल असर इसलिए रखा कि ज़ाहिर है कि पहला वर्ड जो है वल असर, यानी असर की अल्लाह ने कसम खाई है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी पहले ही कलमे से इसका नाम मुतय्यन फरमा दिया, तो लिहाजा इसका नाम सूरत वल असर। और असर कहते हैं ज़माने को, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ज़माने की कसम खाई वल असर कह के, वल असर कसम है ज़माने की, तो कोई ये ज़माना शुभ रोज़ जब हम गुजारते हैं, जिस ज़माने में हम कामयाबी चाहते हैं, उसी ज़माने की अल्लाह ने कसम खाई। इस सूरत में जो नुकसान आज़म का ज़िक्र है, खुसरान आज़म का ज़िक्र है, यानी एक बहुत बड़ा नुकसान, और ऐसा बड़ा नुकसान है कि जो दुनिया के अंदर इंसान से ईमान व इत्मीनान छीन लेता है और आखरत के अंदर जो है इंसान को नाकामी और नैरान का मुस्तक बना देता है। नैरान से मुराद नार, यानी नार जहन्नुम का मुस्तक बना देता है। ये इतना बड़ा नुकसान, उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला सूरत में फरमाया। और अजीब बात यह कि इस मुख्तसर सूरत में ऐसा मजमून अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला जैसा फकीह और मुहद्दिस ये कहता है कि फरमाया कि जो इस सूरत वल असर की उस मजमून और हकीकत पर अमल कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। यानी इसमें अल्लाह तबारक व ताला दरिया बकूज़ा, गोया कि कूज़े में दरिया बंद कर दिया, ऐसे मुख्तसर सूरत में इतना अजीम मजमून बयान कर दिया यकीन, और कह दिया वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, कि बेशक इंसान खसारे और नुकसान में है, गोया कि कोई भी इंसान खुसरान और नुकसान से बचा हुआ नहीं है, गोया कि डूबा हुआ नुकसान में। लेकिन फरमाए इल्ल लज़ीन आमनु, हाँ आगे 4 सिफात जिक्र फरमाई कि ये 4 सिफात जिनके अंदर हैं वो सिर्फ नुकसान से बचे हुए हैं। वो कौन है? इल्ल लज़ीन आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने आमाल सालिया किए, व तवासो बिल हक, और हक बात की एक दूसरे को उन्होंने तलकीन की, व तवासो बिस सबर, और सबर की एक दूसरे को वसीयत की। सुभान, और मैं कि ये 4 औसाफ है, ये है कामयाबी की दलील, वरना नुकसान ही नुकसान है। ईमान होना चाहिए, दूसरा अमल साले होना चाहिए, और तीसरा तवासी बिल हक होना चाहिए, और तवासी बिस सबर होना चाहिए। ये 4 औसाफ जिसने अपने अंदर पैदा कर लिए तो भले वो दुनिया में बाहर मुफलिस हो, छाल के जूते और पेमन लगे कपड़े पहन रहा हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ भरपूर कामयाब है। लेकिन अगर ये 4 औसाफ किसी के पास नहीं है तो भले वो दुनिया के अंदर सोने के पहाड़ उसके पास हों और सोने चांदी की ईंटों पे चलता हो, तो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक वो खुसरान नुकसान के अंदर है। ये हकीकत अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत में बयान फरमाई। और अजीब बात यह है कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे और जब जुदा होने लगते थे तो एक दूसरे को सूरत वल असर ज़रूर सुनाते थे, ताकि वो रिमाइंडर हो जाए कि इस दुनिया के अंदर हम जो रह रहे हैं शब व रोज़ की दुनिया में, और जिस ज़माने में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी ज़माने की कसम खा के अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता बताया है, तो रिमाइंड कर देते थे कि भाई इस रास्ते से नहीं हटना। तो गोया को तवासी बिल हक भी हो गया, और ये भी बता दिया कि तवासी बिल हक जब हक पर अमल करोगे तो मसाइब भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, तो तवासी भी सब्र भी है, तो फिर सब्र तामुल से डटे रहना, वक्ती परेशानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला आखिर में तुम्हें कामयाब कर देंगे। ये हकीकत इसमें, तो इसलिए आम मामूल में भी हमें भी चाहिए हम अपनी महफिलों में अपने दोस्तों में मुलाकात करें, जब जुदा होने लगें एक दूसरे को सुलह वसर सुना दिया करें, तो उसमें यह हकीकत मजमून की तलकीन हो जाएगी और अल्लाह हमारी ईमान में इजाफे अलग करेंगे। तो ये इसमें हकीकत बयान हुई है।